नमस्कार, मैं तरुणा सेठी आज फिर आपके पास हाजिर हूँ एक बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, जो देखने में तो बहुत ही डिफिकल्ट लगता है, कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन है बहुत आसान और बहुत क्विक है। तो उसके लिए आपको पहले ये फैब्रिक्स हैं हमारे, आप इन सब फैब्रिक्स को मैंने यूज़ किया। आप सोचिए कि एक ब्लॉक में मैंने कितने सारे रंग यूज़ किए हैं। 1, 2, 3 ये प्लेन है, 4, 5, 6, 7 चार प्रिंट्स हैं, 3 सॉलिड्स हैं और एक वाइट है। तो हम स्टैंडर्ड साइज से ही चलेंगे, जो ट्रेडिशनल कन्वेंशनल सिंपल लॉग कैबिन स्टाइल है। आप देखिए कि हमने सेम साइज की स्ट्रिप्स काटी हैं और हमारा जो फिनिश स्ट्रिप आप देख सकते हैं वो 1 इंच वाइड है। ये देखिए 1 इंच, ये भी 1 इंच है, ये जब सिल जाएगा जो लास्ट वाला है तो वो भी 1 इंच हो जाएगा। तो 1 इंच के लिए हमको अगर रेडी लुक 1 इंच चाहिए तो हमें 1.5 इंच की वाइड स्ट्रिप काटनी पड़ेगी, और क्योंकि वो दोनों तरफ जब सिल जाएगा तो जो सीम अलाउंस है वो 1/2 इंच, 1/4 इंच इस तरफ और 1/4 इंच उस तरफ उसको ले लेगा। तो ये ब्लॉक मतलब मुझे आप स्टिचिंग क्योंकि इतनी स्टैंडर्ड है, जो हमेशा मैंने बताई है, हर डेमो में आपने देखा है कि स्टिचिंग कैसे करनी है, आइनिंग कैसे करनी है, सीम अलाउंसेस कैसे करने हैं, तो उसको मैं रिपीट नहीं कर रही। बट आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू शेयर दिस ब्लॉक विद यू बिकॉज इट्स अ वेरी वर्सेटाइल ब्लॉक। आप उसके इसके सिर्फ लेआउट में आप देखेंगे कितने ब्यूटिफुल डिज़ाइन और कितने ब्यूटिफुल वेरिएशन बनते हैं। तो इसके लिए क्योंकि मैं क्विकली आपको दिखाना चाह रही हूँ तो आप बस इसका ध्यान ये रखेंगे कि कटिंग के साइज़ वेरी करेगा, ये हर स्टेप पे कटिंग चेंज हो जाएगी साइज़ ऑफ द स्ट्रिप। पहले तो हमने स्टैंडर्ड 1.5 इंच का कंटिन्यू स्ट्रिप काटा है, अब उसको किस साइज़ में छोटा करना है उस पर हम चलेंगे। तो सबसे पहले तो हम स्क्वेयर्स के साथ चलेंगे। तो एक हमने जैसे मैंने कहा कि प्रिंट नंबर 1 मैंने ये यूज़ किया है, तो मैं इसको इसके साथ सिल दूँगी। तो क्योंकि हमने ये स्क्वेयर्स 1.5 इंच की साइज़ के काटे हैं, हमारा पट्टा भी 1.5 इंच का वाइट था और इसलिए स्क्वायर भी 1.5 इंच के, जब हम इनको सिलेंगे तो हम 1/4 1/4 इंच दोनों तरफ से लूज कर देंगे, तो ये 2.5 इंच का बचेगा। तो जो हमारा नेक्स्ट स्ट्रिप है इसी प्रिंट का है, आप देखिए हम वी चल रहे हैं, हर प्रिंट या हर कलर में हम वीज बना रहे हैं, तो वो वी भी 2.5 इंच की उसमें ही बनेगा। मैंने एक एक स्टेप स्टिच भी किया है सो दैट आपको एक पर्सपेक्टिव मिल जाए। तो ये देखिए उसी तरह से है, पर मैं आई लाइक टू असेंबल, आपके सामने मैं एक असेंबल भी करना चाहूँगी, लेकिन ये आप बस सिलते जाइए। ओके, और अब आप देखिए इसके सामने, क्योंकि ये 2.5 इंच है तो इसके सामने भी मुझे 2.5 चाहिए, लेकिन क्योंकि ये वी है, वी इस प्रिंट का बन गया, अब हम सॉलिड कलर्स पे चलेंगे। एक तरफ सॉलिड है, एक तरफ प्रिंट्स हैं, राइट? तो अब हम ये सॉलिड का वी बनाते हैं और वो इस तरह से हम इसके सामने रख देंगे। देखिए ये वाला है हमारा, और अब हमको इसका वी बनाना है। तो जो नेक्स्ट स्ट्रिप हमारा कटेगा वो इससे 1 इंच बड़ा होगा, ये 2.5 था वो 3.5 इंच का होगा, और वो आप इस पे लगाएंगे। पर अब मैं इसको नज़दीक कर रही हूँ क्योंकि ये इमेजिन करिए कि ये सीम होते जा रहा है, तो इसके लिए मैं इसको इस साइज से काट रही हूँ, स्टिच कर रही हूँ, और मैं इसके ऊपर रखूँगी बिकॉज मुझे ये बीच में स्क्वायर ही चाहिए। तो हियर वी गो, ये पहला सीम हमने जो किया था और ये सेकेंड। देखिए हमारी वी बनती जा रही है, देखिए ये वी इसकी सॉलिड ब्लू की है, डार्क ब्लू की, और ये प्रिंट की। अब जो नेक्स्ट प्रिंट मैं यूज करूंगी वो ये वाला है, लीव्स वाला। तो ये जो प्रिंट है, अब नेक्स्ट प्रिंट हम है, अब हम इसको एक साइज बड़ा कर देंगे और हम उसको 3.5 पे, एक्चुअली ये 3.5 ही रहेगा। देखिए ये हम इसको वी ले रहे हैं, ये देखिए अब हम इस वी के ऊपर चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? तो अब ये हमने कर लिया ये साइज, ये देखिए इसके साथ ये बढ़ते जाएगा। मैं थोड़ा अंदर ले लूँ क्योंकि ये मैंने आपको सिर्फ ऐसे ही डेमोन्स्ट्रेट कर रही हूँ फ्री हैंड। प्रिंट वही चलेगा, जो हर वी में एक प्रिंट है, स्टैंडर्ड प्रिंट। तो इस वक्त हम ये वाला प्रिंट यूज़ कर रहे हैं और ये हमने इसके साथ रख दिया, और ये यहाँ पे हमारा जो वी है वो इसके साथ। हाँ, तो ये 1-1 इंच बढ़ाइएगा, 1-1 इंच बढ़ाइएगा। तो ये 3.5 था, अब इसको हमने 4.5 कर दिया। अब आप देखिए हमारा ये प्रिंट वाला वी रेडी हो गया। तो वील गो बैक टू आर सॉलिड कलर, इस बार हमने सॉलिड ग्रीन लिया है
और वो अब हमने साइज 1 इंच ऑपोजिट है, सेम साइज में आप इसको यूज करेंगे। ये देखिए इसको फिक्स कर देंगे एंड हियर इज माय सॉलिड रेडी। यू नो जैसे ये ग्रो करेगा आपको इतना मजा आने लगेगा, यू नो व्हेन यू सी द होल पैटर्न टेकिंग शेप आप बहुत इंजॉय करेंगे। इट्स अ ग्रेट सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, यू विल एंजॉय दैट फीलिंग कि ये देखिए मैंने ये बनाया है। सी तो ये वी मेरा इस ग्रीन में बन जाएगा। देयर वी गो। मैं अपने ब्लॉक को भी टर्न कर लेती हूँ सो दैट आपको यू नो इसके साथ आप ग्रो करेंगे तो यू विल सी हाउ वी आर ग्रोइंग। ठीक है, अब हमने ये प्रिंट यूज कर लिया। हमारा नेक्स्ट प्रिंट जो है वो जाल वाला प्रिंट है, ये वाला प्रिंट हम यूज करेंगे, द जाल। ठीक है, और इसमें अब हम सेम साइज लेंगे, हाँ 5.5 इंच इसके ऑपोजिट चलेंगे हम। सो वी हैव दैट स्टेप रेडी हियर। तो ये 1 इंच बढ़ गया है, तो 5.5 के बाद ये 6.5 इंच हो गया। अब देखिए हमारा ये वाला वी रेडी हो गया इस प्रिंट में। सो नाउ वी गो टू आवर लास्ट सॉलिड कलर जो एक साइड सेम रहेगा 6.5 इंच। और एक साइड ये पड़ जाएगा, ये अब 7.5 इंच हो गया। और अब हम हमारे लास्ट प्रिंट पे आ गए हैं जो बूटी वाला है। देखिए छोटी वाली बूटी है ये। अब हम हमारा लास्ट वाला फैब्रिक यूज करेंगे प्रिंट्स में विच इज द बूटी। तो ये हमारी बूटी है और ये एक्चुअली हमारा लास्ट स्टेप है। सो वी हैव काइंड ऑफ फिनिश क्लाइंबिंग द लैडर फॉर आर लॉक कैबिन ब्लॉक। तो इसमें पहला तो वही साइज होगा 6.5 इंचेस। ये जब आप बनाना शुरू करेंगे और आप इसको यू नो जैसे स्टिच करते जाएंगे स्ट्रिप को और काटते जाएंगे तो ये मेजरमेंट का स्ट्रेस नहीं लीजिएगा क्योंकि वो अपने आप आपको बताता जाएगा और आपको स्ट्रिप काटने की भी ज़रूरत नहीं। आप उस स्ट्रिप को साथ में सीम कर लीजिए और फिर जब फिनिश कर लो जिस पॉइंट तक आपको सीना है उसको काट लीजिए तो अपने आप जो साइज़ आपको चाहिए या जो साइज़ बनना चाहिए वो अपने आप बनेगा। सो इट्स एन ईजी प्रोग्रेशन, वेरी सिंपल। एंड जैसे हमने कहा कि हम वीज बना रहे हैं तो ये लास्ट हमारा जो है स्ट्रिप ये इस तरफ आ गया एंड वी हैव आवर लॉक कैबिन रेडी।